व्हाट आई सॉ वाज के मुरो ने ना थोड़ा सा एक इम्प्लाई किया था कि जो ये रिलीजियस लोग हैं ना, ये एवोल्यूशन को आउटराइट डिनाई करते हैं. एंड देखिए, एवोल्यूशन एज बीइंग बायोलॉजिकल चेंज ओवर टाइम, हम उसको डिनाई नहीं करते, वी डोंट डिनाई दैट. ही इज़ कन्फ्लेटिंग बिटवीन टू थिंग्स. सो एवोल्यूशन एज बायोलॉजिकल चेंज ओवर टाइम, उसका तो हमें एविडेंसेस मिलते भी हैं, और वो एविडेंसेस दिखा के फिर उसको सुपर इम्पोज कर देना मैक्रो एवोल्यूशन के ऊपर, आई थिंक दैट इज़ वेयर यू नो ही इज़ टेकिंग दैट स्टेप फॉरवर्ड. एंड मे बी इज़ नॉट गिविंग यू नो अस द क्रेडिट के यू नो वी डू एक्सेप्ट एवोल्यूशन. But what sort of evolution are we talking about here? So you have to be very clear in what you mean by the term evolution, because evolution as biological change over time, hum usko deny nahi karte. We can see evidences of that, you know, and there's no denial of it, and we don't have a problem in accepting that. Lekin once you superimpose the Darwinian model over that and then go along your narrative, that is what the problem is. So I think, you know, he needs to define what does he exactly mean by evolution. And usko ye nahi karna chahiye ki apni video mein aisa imply kare ki religion jo hai na wo ek he didn't say this, but you know, I felt ke there was, you know, undertones of that, you know, these religious people, they deny evolution, they deny a scientific fact, even though that's not true. We affirm evolution, but the type of evolution that you're talking about is different to what we are talking about. वेरी गुड सबूर भाई, आप इंशाल्लाह बताइएगा कि नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इसमें लगा वीडियो में विच यू थॉट वॉज प्रॉब्लमैटिक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जहाँ पे आपको लगता है कि दो टर्म्स जो हैं उनको कन्फ्लेट किया हुआ है, व्हाट एल्स डू यू थिंक इज़ अ मेजर इशू विद द फैक्ट्स प्रेजेंटेड कोट एंड कोट. ठीक है, आप यानी कि अपने डार्विन नहीं, नज़रियाए इर्तका जिसको साइंसी हकीकत माना जाता है, शख्स या नाम की पूजा नहीं है, ख्याल की साइंसी कायदे के इम्तिहान के जरिए तस्दीक होने पर यकीन है ये. अब ज़्यादातर साइंसदान शायद इस काम को करना इतना अहम ना समझे, मगर मुझे अपने दीन के पेश किए गए इंसान की इब्तिदा के तसव्वुर को इस साइंसी हकीकत के साथ हम हंग खड़ा करना, इसको साबित करना ज़रूरी लगता है. अच्छा, ये देखें, ये टर्म्स इस्तेमाल कर रहे इस साइंस साइंटिफिक फैक्ट जो हकीकत है हमारे सामने जी, अगर आप शुरू से एक स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, एक स्टेटमेंट आप दें और उस स्टेटमेंट के ऊपर आप एक पूरी वीडियो बनाएं, वो स्टेटमेंट अगर एक्चुअली फॉल्स है तो बाकी वीडियो देखने की एक्चुअली कोई खास जरूरत नहीं है. जो इन्होंने अभी कहा है कि ये एक साइंटिफिक हकीकत है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये चीज़ है, तो ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो हमास भाई रिलेट कर रहे थे. ये साइंटिज्म की प्रॉब्लम है कि अगर ये बंदा ये कह रहा है कि ये फैक्ट है, ये ट्रू है, ये इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, तो फिर मोरू हमें बताए कि ये जो एकेडमिक्स हैं, जो पेपर पब्लिश करते हैं, जो एकेडमिक राइटिंग्स करते हैं, जो एक्चुअली इस कहानी को, क्योंकि उनके दिमाग में ये कहानी है, इसको चैलेंज करते हैं, तो क्या उनको कोई चीज़ नहीं पता जो मोरू को पता है? ऐसा थॉमस नेगल हो गया, ठीक है, उसने जो माइंड एंड कॉस्मोस जो उसने किताब लिखी है जिसके अंदर वो डार्विनिज्म को चैलेंज करता है, ठीक है, वो एक एथिस्ट फिलोसोफर है, उसने ये किताब पब्लिश की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये किताब पब्लिश की है, ठीक है, पिछले थोड़े सालों में, तो उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता जो इसको पता है. फिर लिन मार्गिलस जो कार्ल सेगन की वाइफ थी, जो खुद फेमस साइंटिस्ट थी, इवोल्यूशनिस्ट थी, वो डार्विनिज्म को चैलेंज करती है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती जो इन्होंने जो कहानी ये बता रहे हमें बाद में कि रैंडम म्यूटेशंस होती हैं और सिलेक्टेड होती हैं और फिर आपको ये हेरिडिटरी चेंजेस ओवर टाइम. वो इस किस्म के जो साइंसदान हैं, जेम्स शपिरो एक और हो गया, फिर अगर आप जाएं ऑनलाइन थर्ड वे ऑफ इवोल्यूशन एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आते हैं वो साइंसदान जो मुल्हिद हैं, एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, और वो चैलेंज करते हैं, वो एक्चुअली चैलेंज करते हैं डार्विनिज्म को, वो इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं मगर वो डार्विनिज्म का जो मैकेनिज्म है उसको चैलेंज करते हैं. तो इन लोगों को कोई चीज़ पता है जो, सॉरी, मोरू को कोई चीज़ पता है जो इन लोगों को नहीं पता? तो ये एक बहुत एक बहुत ब्लैक एंड वाइट केस आपको सामने दे रहा है कि ये हकीकत है, रिलीजियस लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और ये मेरी ड्यूटी है कि इस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करूं, इसमें हम आहंगी पैदा करूं. बिल्कुल आपसे कह रहे हैं. अच्छा, इसमें ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है कि असल में जो उन्होंने सवाल, जो उनका प्रेमिस है, आपका जो पॉइंट है वो ये है कि जो उनका प्रेमिस है
वो इन एंड ऑफ इट सेल्फ ही फॉल्टी है. मतलब जो क्लेम था ना कि जी डार्विनियन एवोल्यूशन की हकीकत को हम दीन मजहब के साथ हमाहंग करना चाह रहे हैं, तो क्यों करना चाह रहे हैं जब वो खुद एक कंटेस्टेड चीज़ है जिसके ऊपर आपने बताया कि एकेडमिक डिस्कशंस मौजूद हैं, एंड ऐसा नहीं है कि इस पर कोई यूनानिमस कंसेंसस मौजूद है और उसको लोग हकीकत मानते हैं, रादर इट इज समथिंग दैट इज हाईली कंटेस्टेड. ठीक है, मगर मैं आपको एक काउंटर फैक्चुअल देता हूँ. अगर डार्विनिज्म यूनानिमसली एक्सेप्टेड है साइंटिफिक कम्युनिटी में, फिर भी किसी के पास ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि वो कुरान की इंटरप्रिटेशन उस मौजू पे वो कर सकें. क्यों? क्योंकि फिर आपने देखना होता है कि वो एक्चुअली उन्होंने किस तरह डिसाइफर किया, किस तरह डिसाइफर किया कि ये जो चीज़ है ये हकीकत है. अगर सारे साइंसदान दुनिया में माने कि डार्विनिज्म करेक्ट है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि डार्विनिज्म की फाउंडेशनल फिलोसॉफिकल असम्पशन नेचुरलिज्म है, और नेचुरलिज्म एक्चुअली रूल आउट करती है देयर इज अ गॉड और देयर इज अ सोल और एनीथिंग इमटेरियल. तो शुरू से इनकी जो एक्चुअल प्रेमिस है वो नेचुरलिज्म पे बेस्ड है, और ये चीज आपको नजर आ सकती है अगर आप फिलोसोफर्स जो फिलोसोफर्स ऑफ साइंस हैं उनकी किताबें पढ़ें, उनके पेपर्स पढ़ें. ये वेल नोन एस्टैब्लिश फैक्ट है कि मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, ये आइडिया कि साइंस के अंदर आप किसी सुपर नेचुरल चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये ऑब्जर्वेशन की वजह से नहीं, ये शुरू से ये करते हैं. तो अगर एक साइंटिफिक कंसेंसस होता डार्विनिज्म पे, फिर भी ये इनफ नहीं होता. और मैं एक चीज इब्न तैमिया से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा था कि अगर आपके रीजन और रेवलेशन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, यानी एक चीज है जो आपको पता है, यानी एक रीजन से आपको पता चली है, एक चीज रेवलेशन में आपको आपके सामने है, फिर ये प्रॉब्लम जो है ये हकीकत में नहीं हो सकती, क्योंकि या आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है कुरानिक वर्स की, या आपकी इंटरप्रिटेशन रियलिटी की गलत है. ठीक है, इन दोनों चीजों में से. तो ये जो रीजन एंड रेवलेशन की जो डिस्कशन होती है, ये ऑब्वियसली उलमा ने पास्ट में की है. तो हम ये नहीं कह रहे मौरू को कि ये एक्चुअल इस किस्म की फिक्र अलाउड नहीं है. हम कह रहे हैं कि जो तरीका है, जिस तरीके से इस चीज को ये अप्रोच कर रहा है, ये तरीका गलत है. क्योंकि अगर हमने इस बात को देखना है कि साइंस के अंदर कोई हकीकत है और ये हकीकत कुरान के अगेंस्ट जा रही है, तो हमने सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि इन दोनों चीजों में से किस इंटरप्रिटेशन किसकी इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं कुरानिक इंटरप्रिटेशन गलत है या साइंटिफिक है. ये इस डिस्कशन को ऑक्सीजन ही नहीं दे रहा. ये शुरू से कह रहा है कि ये सच है और कुरान को हमने समहाउ फिट करना है. और ये मुझे बहुत एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ थिंकिंग, गोरा कॉम्प्लेक्स सॉरी टाइप ऑफ थिंकिंग मुझे नजर आती है कि आपने शुरू से ही गिव अप कर दिया है. यानी एक जंग शुरू होने लगी है, शुरू से आपने कहा मैंने हाथ ऊपर कर दिए हैं और मैं गिव अप करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, आप मुझे किस तरह आप मुझे हैंडकफ करें प्लीज. तो ये डिफीटिस्ट किस्म की मेंटालिटी जो है मुसलमानों के पास नहीं होनी चाहिए.